देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं सपना नायक आपका स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। मुखौटा कला मंच द्वारा स्थानीय मानस भवन में उल्लास 2017 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा नाट्य शिविर के दौरान अपनी रंगारंग प्रस्तुत दी गई। इप्टा से जुड़े विष्णु झा ने बताया कि नाटक के माध्यम से वर्तमान स्थितियों का चित्रण बच्चों ने बड़े ही आकर्षण ढंग से पेश किया। शिविर एक महीने का लगा था, जिसमें हम लोग बच्चों के लिए डायरी लेखन, चित्रकला, क्राफ्ट और डांस और एक्टिंग और संगीत, इन सब विषयों को लेकर हम जो है बच्चों में उसको थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद हम एक महीने बाद उसका समापन करते हैं, और समापन में हम ये देखते हैं कि बच्चों ने कितना कुछ सीखा। आज उसी का परिणाम है कि बच्चे जो है आज मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। यहाँ हमने आज 3 जनगीत तैयार कराए बच्चों से, जो राजेश शर्मा जी, सुखबीर सिंह यादव और भरत प्रजापति, इन लोगों ने मिलकर संगीत तैयार कराया। और 2 नाटक इसमें तैयार किए गए, एक मेमोज जैन के निर्देशन में तैयार किया गया कथा उजाली की नाटक, और एक डांस भी तैयार कराया गया है लोक नृत्य विशाखा धाकड़ के निर्देशन में, और एक थीम डांस जो है रीना अहिरवार के निर्देशन में। ये हम लोगों का समग्र सामूहिक रूप से एक प्रयास रहता है, सब मिलजुल कर हम लोग काम करते हैं और एक कला और संस्कृति के लिए, शहर में के लिए कुछ करें, ये हमारा प्रयास रहता है। अब और हमारे जो सहयोग करते हैं लगातार तरुण सिंह जी, जो हर कार्यक्रम में यानी आगे बढ़कर काम करते हैं। आपका नाम? मैं विष्णु झा। ये जो शिविर है हमने एक महीने का लगाया है, और इस शिविर में हमने बच्चों को जो भी सिखाया है उसका समापन आज हो रहा है। ये आपको कैसा लगा इस बारे में हम चाहते हैं कि आप प्रतिक्रिया लें जनता की। मैं राजेश शर्मा, यहाँ मुखौटा कला मंच से लेकर 4 से 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। शिविर ऐसे बच्चों के लिए किया जाता है जो बच्चे जिनके माता पिता ज़्यादा फीस उनको साहित्य या कला या अन्य सिखाने के लिए नहीं दे सकते, पे नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के बीच हम लोग काम करते हैं और उनको आगे बढ़ाने का बहुत हमारा प्रयास है। आज भी यहाँ डॉक्टर अशोक तिवारी शिक्षा निदेशालय दिल्ली से आए हुए हैं, तो हमारे मार्गदर्शक मंडल में आदरणीय श्री कैलाश वानखेड़े जी हैं, जो यहाँ पे CEO मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत है, संतोष अरोड़ा मैडम, प्रोफेसर नरेंद्र शुक्ल जी, प्रोफेसर सतीश चतुर्वेदी जी, श्री रमेश कुमार शर्मा जी, जो संगीत में अपना बहुत बड़ा नाम रखते हैं, बड़ा योगदान रखते हैं, वो सब हमें निरंतर मार्गदर्शन देते हैं। और उन्हीं सबके सहयोग से आदरणीय यहाँ मुखौटा कला मंच के श्री तरुण सिंह जी, जिनका विशेष सहयोग हमें रहता है, इस सब के माध्यम से हमें बच्चों को जो विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन जी रहे हैं उनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्यक्रम इनका अगली परफॉर्मेंस दिल्ली जननायक मंच दिल्ली के सभागार में लोगों का निश्चित हुआ है, और आप सब ये कार्यक्रम देखें। नाटक मंच से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नाटक से और मंच से जो बच्चे जुड़ते हैं, तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा वो बहुत सी बुराइयों से दूर हो जाते हैं। जब व्यक्ति के अंदर संगीत जन्म लेता है, कला जन्म लेती है, अभिनय जन्म लेता है, तो बहुत सी बुराइयों से जो हम एक दिशाहीनता की स्थिति अभी समाज में निर्मित होते देख रहे हैं, तो टीनेजर और नए जो युवा हैं
जब वो इससे जुड़ते हैं तो इससे दूर रहेंगे, उनका ब्रेन पावर अच्छा रहेगा, उनका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बड़े डूब के वर्क करना पड़ता है, बड़ी गहराई से हम स्वरों को साधते हैं, संगीत को सीखते हैं, और इन सब के माध्यम से ही जब बच्चा कोई भी ये सब सीखता है तो उसका ब्रेन पावर अच्छा रहेगा, उसकी पढ़ाई में मन लगेगा। शिविर में हम योगा एक्सरसाइज, थिएटर एक्सरसाइज, फीलिंग एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का जो विघटन आज हो रहा है वो ना हो, और साथ ही समाज में एक नई दिशा धारा बच्चों को, टीनेजर्स को मिले। आपका नाम? मैं राजेश शर्मा, यहाँ इंजीनियर हूँ, शासकीय है उसमें जनपद में, और अभी पोस्टिंग रावगढ़ में है। कुछ जो भी समय मिलता है बच्चों को बताता हूँ, कभी कभी छुट्टी के समय जो भी 2 घंटे 4 घंटे का समय बच्चों को सिखा पाए दे पाए कोशिश कर रहे हैं। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने भी अब अपना एक नया मंच तैयार कर लिया है, जिसमें ओबीसी जाति के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समाज के जिम्मेदार लोगों को एक मंच पर लाया गया। इसी के बैनर तले हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें जिले भर के प्रतिभावान छात्र छात्राएं शामिल हुए। एक किसान है, उसके 4 बेटे, ये तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, और इसकी दवा हमारे पास है। और क्या दवा हमारे पास है? कि इस जन्म की गांधों का आज यहाँ सम्मान किया जाएगा, 14 पार्षदों का, 406 छात्राओं का सम्मान, और हमारे पत्रकार बंधु होंगे। मेरा नाम अक्कम सिंह कुशवा, बांसकुली निवास करता हूँ। कभी कोई भी सज्जन भजन का कार्यक्रम रचना चाहे। आजाद अध्यापक संघ का प्रांतीय सम्मेलन शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल स्टेडियम में शुरू हुआ, जिसमें महिला अध्यापक संवर्ग का सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। इसमें महिलाओं के शिक्षा अध्यापन पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें उनकी सुरक्षा के दायित्व का मुद्दा भी उठा। उसको निकाला गया था और 10 किलोमीटर बाहर आकर उसकी अगवानी आजाद रथ यात्रा की बड़े उत्साह और जोश से की गई थी। यह बड़ा योगदान है आप सभी विकास खंडों में। इस संगठन को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। दोस्तों, इस बात का है कि आज बढ़ाने के लिए तो आ जाए साथियों। इसी के साथ में अपनी बात विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि आपके महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मेलन रखा गया गुना में, जो आजाद अध्यापक संघ के बैनर पर रखा गया, जिसमें हमारी प्रांत प्रमुख शिल्पी शिवा, जो हमारी प्रांत के प्रमुख आजाद अध्यापक संघ वो पधारी। और ये इसीलिए किया जा रहा है कि जैसे क्या है, 1.5 साल हो गए आज आंदोलन चल रहा है, लगातार मांगे जारी हैं, कई ज्ञापन देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अध्यापक संवर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जैसे छठवा वेतनमान दिया सभी की जानकारी में है, लेकिन उसका ढिढोरा ज़्यादा पीटा गया है। छठवा वेतनमान अन्य कर्मचारियों को जैसा हमें दिया जाए, संकुल जिला अलग अलग वेतनमान है, एक रूपता उसमें की जाए, और शीघ्र हमारा छठे वेतन गणना पत्रक जारी किया जाए। इसी के साथ अन्य कर्मचारियों के साथ हमें 7वां वेतनमान दिया जाए, और शिक्षा विभाग, जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं वो विभाग हमें दिया जाए। हमारी ये एक मांग है कि हमारा शिक्षा विभाग में सम्मिलियन किया जाए, अन्य कर्मचारियों के साथ हमें भी 7वां वेतनमान दिया जाए। हमें क्या है, अध्यापक संवर्ग को बदनाम किया जा रहा है, आंदोलन के लिए हमें विवश किया जा रहा है। हम कई बार आंदोलन स्थगित कर देते हैं, लेकिन फिर मांगे पूरी जितनी की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें 2-3 बार बुलाया, हमने स्वागत भी किया, लेकिन हमारी मांगे आज तक पूरी नहीं हो पा रही। हम इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और अन्य प्रशासन अधिकारियों तक अपना मांग रखेंगे। जैसे क्षमता शासन शिक्षक है, उनका संविधान की फाइलें भी आज अटकी पड़ी है, ये सब शीघ्र जारी की जाए। उसके संबंधित आदेश कई क्षमता शासन शिक्षक करने के लिए सारे अध्यापक बनना है या परिषद अध्यापक या अध्यापक बनना है, उनकी फाइल अटकी पड़ी है, लेकिन फिर भी किया जाए। और हमारा शिक्षा का न्याय किया जाए, सम्मान किया जाए। ये हमारी मांग मुख्य मांग के होते हुए भी हमारा सम्मेलन किया। मैं केशव प्रसाद त्यागी, आजाद अध्यापक संघ जिला शहर के एक निजी होटल में रघुवंशी कल्याण परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीते दिनों मनाए गए राम जन्मोत्सव का हिसाब किताब प्रस्तुत किया गया। वहीं आने वाले समय में समाज द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम पर चर्चा की गई। वही समाज अब प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह भी आयोजित करने जा रहा है।
प्री मानसून की बारिश के बाद अब बादलों की लुका छुपी का दौर जारी है, जिसमें कभी धूप तो कभी छांव देखी जा रही है। ऐसे ही मौसम का नजारा रविवार को देखने मिला, जब दोपहर बाद मौसम में अचानक एक बार फिर करवट बदल ली। बिंदाचल कॉलोनी में आग लगने की सूचना पुलिस कंट्रोल को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के अमले ने जाकर देखा तो वहां एक खाली प्लाट के कचरे में आग लगी हुई थी, जिसे बुझा दिया गया। करीब दो साल पहले आई इंडिया सेल्टर कंपनी के प्रति लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ा है। इतने कम समय में इसके 400 से ज्यादा सदस्य हैं। इसका मकसद लोगों के घरों का निर्माण कराना, सुधार कराना और विस्तार कराना है। इस कंपनी की 9 राज्यों में 61 ब्रांच अब तक खुल चुकी हैं, जिसका कपल गुना में आयोजित किया गया। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी श्री अनिल मेहता जी के द्वारा, और आज देश के 9 राज्यों में 61 ब्रांचों के साथ सफलतापूर्वक 7 साल पूरे कर चुकी है। हमारी गुना शाखा जो है वो 2015 में शुरू हुई थी और आज करीब 400 सदस्य हमारी कंपनी से जुड़ चुके हैं और अपने घर को बनाने का सपना पूरा कर चुके हैं। हमारी कंपनी का उद्देश्य आपके अपने घर को बनाना, उसमें सुधार करना, उसमें विस्तार करना और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग देना है। आप ये सुविधा अपनी घर की रजिस्ट्री और कम कागजी कार्रवाई के द्वारा पूरी कर सकते हैं सिर्फ 5 दिनों में। इसके लिए हमारे यहाँ पर लोन ऑफिसर उपलब्ध हैं जो आपको पूरी और सही और सटीक जानकारी देंगे। लेकिन एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें कि इसमें हमारी कंपनी के साथ सिर्फ हमारी कंपनी के कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। कोई भी दलाल, एजेंट या कमीशन खोर इसमें कोई वास्ता नहीं रखते हैं। और आपको अपने घर बनाने के लिए इंडिया शेल्टर परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा मानना है कि आज के दिन अगर हम किसी मकान में या कहीं भी किराए से रहते हैं और लोन लेके किस्तों में अपना मकान आ जाता है, जो किराए का रेट होता है उससे अगर 10% 15% इंक्रीज करके अगर अपना किस्तें दे रहे हैं तो हमारा घर भी बच जाता है और किस्तें भी बच जाती हैं, रेंट भी अपने ईजी में निकल जाता है। अब ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है आती है कि आपका स्पेस, आपके स्पेस की बिक्री भी इसके का अब बजट में आपके आता नहीं है, कहीं ना कहीं वो सारी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ती है, इसलिए खुद का मकान बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू। चल रहे आमरण अनशन को नायब तहसीलदार इकबाल खान ने एसडीएम शुक्ला जी से फोन पर बात कराने के बाद जूस पिलाकर आमरण अनशन तोड़वाया। अभय ब्यास और के भार्गव की हालत बिगड़ जाने के बाद उनको तुरंत 108 एम्बुलेंस की सहायता से गुना रेफर किया और जनता ने खान साहब को ज्ञापन दिया और खान साहब इकबाल खान ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को ऊपर तक पहुँचाया जाएगा और जल्द से जल्द निराकरण होने का आश्वासन दिया। वो आपको देना।
होगा होगा आश्वासन कुछ पहले दे आपकी बात को साहब तुम्हारी बात को तुम जरूर वही भूल जाएंगे लो हाँ आज अनुभागीय अधिकारी महोदय के आदेश से मैं म्याना में आया था जहाँ पर नगर पंचायत बनाने के लिए अभय व्यास और उनके साथी संघर्ष समिति के माध्यम से हमारा सर बैठे हुए थे। आज उनके स्वास्थ्य को देखते हुए चिकित्सक से उनकी जांच कराई गई। चिकित्सक ने उनको कमजोरी एवं उनको दिनों दिन छीड़ होने की बात कही। उनको आज समझाई दी गई कि आपकी भावनाओं को वरिष्ठ अवगत कराया जाएगा। इस आसन पर संघर्ष समिति और संघर्ष समिति का अध्यक्ष भाई अभय व्यास जी ने उस बात को स्वीकार कर लिया है और आमरण को ख़त्म किया जाकर उनको मैंने अपने हाथों से तरल पदार्थ के रूप में जूस पिलाकर धरने का ख़त्म कर दिया है। गौरक्षा समिति के कार्यकर्ता द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत आज सुबह कैंट मुक्ति धाम में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में समाधि ग्रुप के डायरेक्टर श्री मोहन समाधिया, श्री ओ एन शर्मा जी, महेश सोलंकी जी, सचिन अवस्थी एवं समिति के कार्यकर्ता ने वृक्षारोपण किया। समिति के अध्यक्ष सचिन अवस्थी ने बताया कि समिति द्वारा आगे भी वृक्षारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर सचिन अवस्थी, मुकेश अवस्थी, शैलेंद्र रघुवंशी, वृंदावन शर्मा, कमलेश शर्मा, बालमुकंद मिश्रा, विकास तिवारी, आदित्य अवस्थी, अतुल मिश्रा, अभिषेक, हेमंत, सारांश, सुबोध आदि अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। की गिरफ्तारी को लेकर फूकर सिब्रास का पुतला। किसानों की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस ने नगर चाचोड़ा वीनागंज नगर में दुकान बंद कराई गई। राहुल गांधी की गिरफ्तारी की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की। गिरफ्तारी को लेकर वीनागंज नगर के बस स्टैंड पर प्रदेश किसान कांग्रेस महामंत्री व राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर संजय मीना रानी खेजड़ा के नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया गया। पुतला दहन क्यों किया है आप लोगों ने? आज माननीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को किसानों से मिलने से मध्य प्रदेश सरकार ने रोका और उनको गिरफ्तार किया। उसके विरोध में आज हमने सीएम शिवराज सिंह का पुतला दहन करा और आगे भी क्या आपका आंदोलन जारी आगे है? भी अगर सरकार की यही रवैया रहा तो हम रोज ही नया आंदोलन करेंगे। आज हम कुछ नया प्लान करेंगे। आज मतलब किसानों के साथ में कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी और आज आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे और राहुल गांधी जी और सचिन पायलट जी सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे मतलब किसानों के साथ में सहभागी बने दुख दर्द में। और बीजेपी सरकार ने हमारे वरिष्ठ नेताओं को वहाँ किसानों से मिलने से रोका, उसके विरोध में आज हमने सीएम शिवराज सिंह का पुतला जलाया। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।